एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का वीडियो स्पेशली गर्ल्स के लिए है कि आप प्रिटी कैसे लग सकते हो। मतलब बहुत सारी लड़कियां मुझसे पूछ रही थी कि आंचल सुंदर कैसे दिखा जाए, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो लड़कियों के लिए हो। एज अ गर्ल आप प्रिटी कैसे लग सकते हो, आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ जो मैंने पिछले कुछ सालों में सीखा है और जिसको मैं भी फॉलो करती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि आप इंडियन वेयर करो, मतलब इंडियन जो ड्रेसेस होती है ना, कुर्ती हो गई, सूट हो गया, अगर आप साड़ी पहनना चाहते हो, अगर आप पे वो अच्छी लगती है। बहुत सारे लोगों पे साड़ी अच्छी नहीं लगती, मुझ पे भी नहीं अच्छी लगती है, तो मैं वो चीज़ अवॉइड करके बाकी सारी चीज़ें पहनती हूँ। यू नो, इंडियन ड्रेसेस जो भी होती है ना, आप उनमें से कुछ भी पहन लो, सूट, सलवार, पटियाला, कुर्ती, जो भी आपके पास में हो, शरारा, बहुत सारे आजकल तो कपड़े आ गए, आप कुछ भी वेयर कर लो और उसको पहनने के बाद में वाकई में बहुत ही एकदम अच्छा फील होता है। इसके अलावा एसेसरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना बड़ा रोल प्ले करती है ना। और एसेसरीज में भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही हैवी सा कुछ पहनना है, आप सिंपल सी कोई इयररिंग्स कैरी कर लो, आप छोटी सी बिंदी लगा लो, बिंदी से बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है सीरियसली। मतलब एक वैसा वाला लुक जब हमको चाहिए होता है, जब हमको कहते हैं ना प्रिटी दिखना है, तो आप बिंदी लगा लो और उससे कम, मतलब वो मतलब पूरा काम वहीं पे खत्म हो जाता है जब आप बिंदी अप्लाई कर लेते हो। पायल आप लोग पहन सकते हो, मुझे पायल का बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब मैं ऐसे पहनती नहीं हूँ बट मैंने यहाँ दो अपने लिए लिए थे, जब कभी मूड हो जाता है, मुझे ऐसी फीलिंग चाहिए होती है, यू नो, प्रिटी दिखना होता है, तो मैं उसको पहन लेती हूँ सूट वगैरह पे, कुर्ती वगैरह पे, और काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं और इनको ज़रूर आपको ऐड करना चाहिए। एक साथ सब कुछ नहीं पहना है बट किस पे क्या अच्छा लग रहा है वो सारी चीज़ें देखते हुए आपको एक्सेसरीज ज़रूर वेयर करनी चाहिए। बट यू नो, एज अ गर्ल आपको हाथ पाँव का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो साफ़ हो, क्लीन हो, है ना, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। अब इसके लिए आप पार्लर में जाना चाहो, मतलब मैं उतना कह नहीं रही हूँ कि आप जाओ वहाँ पे जाके मैनीक्योर पेडीक्योर करा सकते हो, या सिंपली आप घर पे भी कुछ चीज़ों को फॉलो करके मैनीक्योर पेडीक्योर कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं किसी आने वाले वीडियोज़ में शेयर कर दूँगी, बट हाँ, आपको इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपके हाथ पाँव अच्छे हों, उन पर नेल कलर अच्छा सा अप्लाई करके रखो, उनको हमेशा ट्रिम करके रखो, सेट करके रखो, वो गंदे बिल्कुल भी ना हो। मतलब एक तरीके से कह लो हाइजीन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर आपको प्रिटी दिखना है तो, और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप देखोगे जितनी भी लड़कियों को वो बहुत ज़्यादा अगर प्रिटी लग रही है, बहुत सुंदर दिख रही है ना, वो इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखती है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए, हाइजीन, उसके बाद में सारी चीज़ों को आपको प्रॉपर ध्यान में रखे फॉलो करनी है। स्किन केयर रूटीन पे भी ध्यान देना है, अच्छा सा अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लो। देखो मेकअप तो ज़रूरी है ही, अगर आपको सुंदर दिखना है तो मेकअप बहुत ज़्यादा काम आता है, बट 100 में से हो सकता है 5% लोगों को मेकअप ना पसंद हो या फिर वो ना करना चाहे किसी भी रीज़न की वजह से। तो उनके लिए ये है कि उनके लिए नहीं, सबके लिए वैसे ये है कि स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि वो नेचुरली भी अच्छी लगे। हमेशा आप हर जगह पर मेकअप नहीं कर सकते ना, तो मेकअप नहीं भी कर रहे हो तब भी आप अच्छे दिखने चाहिए, सुंदर दिखने चाहिए, तो उसके लिए स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए। आपकी बॉडी से कभी भी स्मेल नहीं आनी चाहिए, बैड ऑडर की प्रॉब्लम मतलब होती है कुछ लोगों को, बट प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करना इस तरीके से कि अच्छा सा परफ्यूम ज़रूर वेयर करना। आपकी बॉडी से मतलब अच्छी सी स्मेल आनी ही चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार चीज़ होती है जब किसी की बॉडी से स्मेल आ रही होती है, तो प्लीज़ इस चीज़ को मेक श्योर करना। और इसके लिए आप नेचुरली कुछ चीज़ें कर सकते हो कि कभी कभी स्वीटिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग डिओडोरेंट का यूज़ करो। अगर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा है तो मतलब स्मेल बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी से आ रही है तो वाटर में आप एसी भी ऐड करके यूज़ करो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करी होंगी। और ये तो मैं अपने वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको कैसे बॉडी ओडर को कम करना है, बहुत किसी हैक वाले वीडियो में मैंने बताया था, बट हाँ, आपकी बॉडी से अच्छी सी स्मेल आनी चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा परफ्यूम मत यूज़ करना कि दूर से किसी को पता चल जाए कि बहुत एक वो हार्श स्मेल होती है ना, वो अच्छी नहीं लगती। जब माइल्ड सी स्मेल आपकी बॉडी से आ रही होती है ना, वो ज़्यादा बेहतर होता है। हल्की सी स्माइल आपके फेस पे होनी चाहिए जब भी आप कहीं बाहर जाओ, या फिर ऐसे भी मतलब कहीं बैठे हो, या फिर कोई आपको देख रहा है, फिर नहीं भी देख रहा है, मतलब एक वो रखो कि हाँ आप ऐसे मतलब ऐसे रहो, ये नहीं कि ऐसे ऐसे नहीं रहना है आपको, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि स्माइल से प्रिटी कैसे लगेंगे, बट एक वो होता है वाइब में कि जब किसी के फेस पे स्माइल होती है ना तो हमको अच्छा लगता है वो इंसान देख के, आप समझ रहे हो, इस वजह से आपको लग रहा है। बाकी इसका कोई वो नहीं है कि स्माइल नहीं करोगे तो प्रिटी नहीं लगोगे, बट हाँ उतने खास ही लगोगे, समझ गए ना। हाँ, आपके हेयर देखो हमेशा क्लीन होने चाहिए, आपको 2 to 3 days पे हेयर वॉश करते रहना चाहिए, कोई अच्छा सा शैम्पू कंडीशनर यूज़ करना चाहिए, हेयर क्लीन तो होने ही चाहिए, डैंड्रफ वगैरह नहीं होना चाहिए, वो बहुत ख़राब लगता है देख के। आपके हेयर को आप ट्रिम भी करते रहो मंथली, घर पे इजीली कर सकते हो, मैंने बताया भी हुआ अपने वीडियोस में कैसे उनको ट्रिम करना है। बाकी इसके अलावा आपके हेयर थोड़े से सिल्की और शाइनी भी होने चाहिए, तो कंडीशनर, हेयर मास्क वगैरह भी यूज़ करते रहो अपने बालों पे, और जब कभी बाहर जाओ तो स्ट्रेटनर का भी यूज़ करो कि आपके बाल अच्छे लगे, क्योंकि जब सारी चीज़ें कंप्लीट होती है ना
तभी आप प्रिटी लग सकते हो। अगर आपने बहुत सब कुछ अच्छा कर लिया लेकिन आपके बाल एकदम उलझे पुलझे और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे तो उतने खास ही रहोगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कमी आप में रह जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती है, हम प्रॉपर सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि जब कोई सामने से आपको देखे तो उसको भी फील हो और आपको भी लगे कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। तो इस सारी चीज़ों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, सिर्फ एक चीज़ को फॉलो करने से कुछ नहीं होगा। तो बाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता है, और बालों की वजह से आप अच्छे भी दिख सकते हो और ख़राब भी दिख सकते हैं। मैं अपने बालों को बहुत ज़्यादा ही टच कर रही हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ ये वाला पॉइंट इस वजह से टच कर रही हूँ, बट इसका ख्याल रखना ओके। फेशियल हेयर एंड बॉडी हेयर को ज़रूर रिमूव करो। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे नहीं मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है, मतलब कि हमको रिमूव करना ही करना है, हमारा नहीं मन करता, तो वो तो कोई पर्सनल एक चॉइस होती है। बट हाँ, अब क्योंकि मुझे ये वीडियो करना है, मुझे अपनी चीज़ें बतानी है और मुझे बताना है कि आप अच्छे कैसे लग सकते हो, तो हाँ आपको बॉडी हेयर को देखो रिमूव करना चाहिए। उससे आपके ही फायदे हैं यार, आपके बॉडी पे हेयर रहेंगे उसकी वजह से आपकी स्किन डल दिखेगी, क्योंकि हेयर का कलर ब्लैक होता है तो कहीं ना कहीं आपकी स्किन डल दिखती है। आपको तो अपने किसी मेल फ्रेंड से पूछ लेना, मैंने भी पूछा था इस चीज़ के बारे में, जब मुझसे कुछ लोगों ने कहा था कि यार हेयर का इतना वो नहीं होता, तो और एक दो वीडियोज़ भी मैंने देखे हैं कि जिन लड़कियों के बॉडी पे हेयर होते हैं लड़के उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं, ऐसा कुछ मैंने कहीं देखा था। तो मैंने पूछा कुछ लोगों से, बट उन्होंने कहा नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे पर्सनली फील होता है कि बॉडी हेयर रिमूव करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो नहीं अच्छे लगते हैं। और बॉडी हेयर बाई चांस अगर आप नहीं रिमूव करना चाह रहे हो तो प्लीज़ अंडरआर्म्स की हेयर को तो हमेशा ही रिमूव करके रखना, वहाँ पे बिल्कुल भी ब्लैकनेस नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे बिल्कुल भी हेयर नहीं होने चाहिए। वो सबसे बड़ा मतलब एक ख़राब चीज़ लगती है देखने में कि आप स्लीवलेस पहन रहे हो या कोई वैसी ड्रेस पहन रहे हो तो ब्लैकनेस दिख रही है, हेयर दिख रहे हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ को तो सभी लोग फॉलो करना। आपको अच्छा लगता है बॉडी हेयर रखना है फिर नहीं लगता है, प्लीज़ इसको ज़रूर फॉलो करना। और फेशियल हेयर भी रिमूव कर लोगे तो आप और भी ज़्यादा सुंदर लगोगे, क्योंकि उसकी वजह से भी आपकी स्किन कहीं ना कहीं डल दिखती है और मेकअप भी उतनी अच्छे से नहीं हो पाता है। और इसको कैसे रिमूव करना है मैंने बहुत बारी वीडियोस में बताया हुआ है, साथ में आईब्रोज को भी हमेशा सेट करके रखना। लिप कलर अप्लाई करने से बहुत बड़ा चेंज आ जाता है हमें, मतलब एक लड़की वाली फीलिंग मतलब और भी ज़्यादा वो हो जाती है। मुझे पर्सनली लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर आपको प्रिटी दिखना है ना तो आप लोग लिपस्टिक ज़रूर वेयर किया करो। किसी को वो शाइनी वाली लिपस्टिक पसंद होती है, किसी को मैट लुक पसंद होता है, तो वो आपकी चॉइस है, आप क्या यूज़ करना चाहते हो। शेड अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपके फेस पे क्या अच्छा लगता है, एंड अपने लिप्स पे अप्लाई करना और तुरंत चेहरा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप मेकअप नहीं भी कर रहे हो ना तब भी फेस बहुत ज़्यादा सही दिखने लगता है, तो लिपस्टिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए अगर आप प्रिटी दिखना चाहते हो। तो बस यही था मेरा सिंपल सा वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। ये भी एंड करते हैं आज के इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय, आई लव यू।